हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज ईद का दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो फिलहाल मैं आपको मेरा आउटफिट बताता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, ये है ईद का आउटफिट। आप देख सकते हो, तो इस बार ब्लू पठानी सिलाई मैंने, क्योंकि इस बार थोड़ा डिफरेंट करना था। तो अभी मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, आपको मैं उसका भी ब्लॉग देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये मेरा इस बार का आउटफिट है, थोड़ा चेंज किया हूँ भाई, थोड़ा ब्लू ब्लू सा हो गया हूँ। तो अभी जो नमाज पढ़ के आया हूँ और कब्रस्तान जाके, अभी 9 o'clock। तो आज का मैं आपको पूरे दिन का व्लॉग दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, आपको और एंटरटेनिंग वीडियोस और व्लॉग्स लाते रहूँगा। और गाइस, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। एंजॉय द व्लॉग। तो जितनी ईदी मिली है इस बार, मतलब अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, अब तक 4,000 मिल चुकी है। अभी ईदी मिलते रहेगी, तो स्टे ट्यून एंड तक देखना गाइस। गाइस, अभी हम लोग मेले में जा रहे हैं और ये मेरा दोस्त मोहित, जिसके साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे और लोग आ रहे हैं। तो अभी आपको मेले का थोड़ा बहुत सीन बताता हूँ, क्योंकि ईद है तो ईद का मेला लगता ही है, तो हमें तो जाना ही है भाई। चलो चलते हैं। मेले से आ चुके हैं और ये देखो, मैंने तो ये भी जीत लिया कैटी। तो भाई मज़ा तो आ गया यार, मेले में बहुत मज़ा आया। अभी फिलहाल 5:30 हो रहे हैं, जब 8 बजेंगे तो मैं मेरे दोस्त के साथ कुछ खाने जाने वाला हूँ। तो अभी तो नहीं जा रहे क्योंकि बहुत गर्दी होती है, और हम लोगों ने अभी बिरयानी भी खाए थे ना, उसके घर पर खाया था, मेरे घर पर भी बटियारे से खाना बना है। तो अभी बहुत मतलब मैंने खा लिया हूँ। तो अभी हम लोग बाद में जाने वाले, शाम के 7 नहीं तो 8 बजे जाएंगे, तो आपको उसको भी ब्लॉग देता हूँ। तो अभी मैं इससे थोड़ा बहुत खेलने वाला हूँ और आप लोग एंजॉय करो। अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और मैंने जीन्स पहन ली है और टी शर्ट पहन ली है, और मेरा दोस्त आ रहा है मोहित, तो उसके साथ मैं कुछ खाने जाने वाला हूँ। आखिर भाई ईदी मिली है तो स्पेंड तो करेंगे ना। तो हम लोग मैरिटी पे आ चुके हैं और ये हमने चिकन कबाब बर्गर लिया है। हो गाइस, अभी मैं मैकडोनल्ड से वापस आ चुका हूँ और आप लोगों ने देखा मैंने दिन भर ईद में क्या किया किया। तो भाई अच्छा व्लॉग हुआ, अच्छा डे हुआ है। तो कल ईद का डे 2 है, मतलब कि पास ईद है। तो आप कल का भी व्लॉग आप आके देखना, कंटिन्यू हो रहा है, ये दो व्लॉग साथ में आ रहे हैं, ईद का डे 1 मेन ईद उल फितर और फिर पास ईद का। तो स्टे ट्यून एंड तक देखो, इन्जॉय करो गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज ईद का डे 2 है, बासीद, तो आप लोगों को बासीद मुबारक। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, कुछ 12 बज रहे हैं, तो मैं उठ चुका हूँ, तो मैं फ्रेश होके आता हूँ और अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि बासीद है तो बासीद मनाएंगे। और हम लोग यूलू बाइक लेने वाले हैं और राइड वाइड करेंगे, आप लोगों को उसका भी ब्लॉग देता हूँ। अभी फटफट फ्रेश होके आता हूँ। सो गाइस, अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, मैंने ये फिला की हुडी पहन ली है और मैंने पैंट पहन ली है। तो अभी हम लोग कहीं जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग राइडिंग वाइडिंग का। कल जाके कुछ खाना खाते हैं भाई, कल की बिरयानी खाएंगे, बहुत सही बिरयानी बनी थी खाते। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो गाइस, अभी मैं खाना खा चुका हूँ और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यूलू बाइक लेना है कि वापस से मेले में जाके खेलना है। तो अभी यही डिसाइड हो रहा है, 2 बजने आ चुके हैं। तो अभी तो ऐसे भी बहुत गर्मी है, तो अभी नहीं जाएंगे हम लोग, 3 नहीं तो 4 बजे जाएंगे, थोड़ी छाव तो होगी। तो अभी हम लोग का सब डिसाइड हो रहा है, फिर आप लोग को बता दो क्या डिसाइड हुआ है। सो अभी गाइस, हम लोग ने ये सोचा है कि यूलू बाइक लेनी है। तो अभी मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे, बैनरा स्टेशन पे यूलू बाइक का न्यू स्टैंड है ना, वहीं से यूलू बाइक लेने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा डे 1 में हम लोग मेले में गए थे और मैकडोनल्ड्स गए थे, फिर डे 2 में हम लोग यूलू बाइक चलाने गए थे।
तो ईद में तो मज़ा ही आ गया भाई, ईदी भी मिल गई है 6000 ईदी बची है, क्योंकि 1000 रुपये खर्च भी हो गए ना, तो 6000 बची, अब मैं इसे धीरे धीरे खर्च करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको और ऐसे घूमने फिरने के ब्लॉग्स लाओ कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय गाइज़।